ठेठ हरियाणा देखने वाले सारे जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं पहुंचा हूँ हिसार में। हिसार में बता दूं चुगर तो देखा मैंने घूम फिर के, तो ऐडा दूसरे राज्य का जान बिना के संत रामपाल महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। इन तो पूछांगे ये किस उद्देश्य से उरा आए हैं और के इनका गगा वो है। सत्साई जो जी, सत्साई क्या नाम अपना जी? मेरा हरकेश दास जी। कहाँ से हो जी? मैं जी गुड़गांव से हूँ। पूरे हिसार में आए हो आप? हाँ जी। क्या था आए हो? हम अपने गुरुजी के लिए यहाँ हिसार में आए हैं। हम अपने गुरुजी की भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई शास्त्र हमको साधना और उनकी तारीख पर आए हैं। अपने कर्म जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने आए हैं। कितने दिन तक आप संत रामपाल जी के साथ जुड़े हुए? मैं जी 2005 से। ईसा के देखा आपने इनमें? धर्म गुरु तो और भी हैं, एक तो अपना सरसा भी था राम रहीम और भी थे, उनने छोड़ के आप इसका नहीं जुड़े? ये संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं, ये शास्त्र अंकुल साधना है, 18 पुराण, 4 वेद और अपना कबीर साहेब सूक्ष्म वेद, उसके अंदर प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहेब है उसके अंदर प्रमाण है, कबीर इज गॉड बाइबल है उसके अंदर प्रमाण है, ठीक है जी, और आपका गीता है इसके अंदर प्रमाण है, और वो दंत कथा के हिसाब से वो भक्ति कराते हैं। हमारे गुरु जी जो बताते हैं वो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं, उनके अनुकूल ही हम साधना करते हैं। अपना क्या नाम है? रोहतास दास, गुड़गांव से। गुड़गांव पालम बिहार जी। हम अपने परमात्मा की तारीख पर आए हैं, हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, हमारे जो कुर्ते हैं कष्ट है वो कटते हैं यहाँ आने से। जुगनी दो चार और हैं धर्म गुरु बताओ अपना अपने, उनमें और संत रामपाल जी में कितना के फर्क है? जी शास्त्रों अनुसार जो भी ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, और वो है वो एक अवाबा वैसे बोलते हैं, ये हमारे जो शास्त्रों में है वही ज्ञान है, और उन्हीं के हिसाब से हमारे को सद्भक्ति मिलती है और उसी से हमारा फायदा होता है। अपना क्या नाम भाई? करण दास। कहाँ से? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है, छतरपुर एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। एमपी का चाल गाइड आया है, क्या था है जी? ये काम आया हुआ है महाचाल के हिसार में? ये परमात्मा आए हुए यहाँ हिसार में, परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए आते हैं। गुरु जी रामपाल जी महाराज है, वो पूर्ण परमात्मा का अवतार है। तो मैं डाउ दर्शन हो जाए तुमने जी तारक पावे जुगा रामपाल जी जी, तो प्रशासन का किसा रवैया रहा है उन्हें दर्शन कराने में? नहीं, वो दर्शन तो वहीं होते हैं, हमें तो कणकड़ में आते हैं, उनके अपने कर्म सुधारने के लिए आते हैं। बताया है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वही यज्ञ समान, तो इतने पग चल करके आते हैं तो हमारे यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा अपने शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो गुरु जी के लिए अपने पूर्ण परमात्मा उनके लिए हम आते हैं। नीरज नाम है जी मेरा, नीरज दास, गुड़गांव से जी। गुड़गांव। एक बात बताओ, बाकी तो मैंने मेरा पट गया था, मैं संत रामपाल जी के दर्शन करने आया। हाँ जी। प्रशासन का किसा कर रवैया रहा है? प्रशासन बहुत परेशान करता है आम संगत को, वो पार्कों में नहीं बैठने देता है, वो मना करता है, कोई हम गंदगी नहीं फैलाते, किसी को परेशान नहीं करते, फिर भी वो पार्क को खाली करा देते हैं। रोड पे जाते हैं तो वो भगा देते हैं रोड के, कि आप रोड पे साइड में भी नहीं बैठोगे, तो प्रशासन बहुत परेशान करता है आम संगत को। और हालांकि जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त है वो हर कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करता है, वो कानून के अंदर ही सारे काम करते हैं, तो प्रशासन तो बिल्कुल सहयोग नहीं करता है जी। महाराज एक बात सुनी थी घर अंदर चल रहा था जद मुबले, आज जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो हिसार में जगह जगह स्वच्छता अभियान पे सफाई के उसमें कार्य में लीन है, सफाई लाग रहे हैं, कारण बढ़िया काम कर रहा है, तो इसमें प्रशासन का किमें हो रहा है भाई सहयोग? देखो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं गुड़गांव से आया हूँ, लेकिन इतना मेरे को पूरा भरोसा है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी भी प्रशासन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते हैं, और ना ही किसी तरीके का उनको परेशानी आने देते हैं। हालांकि जो जहाँ पे भी बैठते हैं भगत संत रामपाल जी महाराज के, वो अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालते हैं, और आम जो जनता है उनको भी बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। ये चीज़ हम आम समाज में हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, कि आम व्यवहार भी हमको आम इंसान का ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गुण दिए अपने बच्चों को शिष्य को कि भाई आपको आम जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, करना है और नियम में रह के सारे काम करने हैं। बरुवाड़ा में कांड हुआ था, हाँ जी,
प्रशासन भी कांड का नाम दिया था उसी अर्थावी वो कांड प्रशासन ने मेरे हिसाब से एक बहुत गुंडा काम करा था थोड़ा अनुयायियों का लठ भी दो चार मौत भी हुई थी। उसके बाद मैं ये देखा पे मौका पे भीतर है संत रामपाल जी तो कितना के दुख होगा। देखो दुख इस चीज़ का है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, दुख इस चीज़ का है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और उनको बेगुनाह होने के बावजूद बंद करा हुआ है। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि हमारे वकील कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि जी हमारा कोई हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो अपने डिफेंस में सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। दुख इस बात का है कि जज को सब कुछ पता है फिर भी वो अन्याय कर रहा है संत रामपाल जी महाराज का। दुख इस बात का है कि जो प्रशासन है बीजेपी सरकार सेंटर में स्टेट में है वो सब कुछ जानते हुए भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अन्याय कर रही है। कैसे अन्याय कर रही है? क्योंकि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, बिना सबूतों के उन्हें सजा सुनाई गई है और बिना सबूतों के उनको जबरदस्ती उनके जबरन सारे काम कराए जा रहे हैं, उनकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही है कोर्ट के अंदर। अगर निष्पक्ष जाँच हो CBI के हम बोलते हैं और निष्पक्ष अगर जज जाँच करें तो एक दिन में रिहाए संत रामपाल जी महाराज, लेकिन सरकार ने इतना दबाव बनाया हुआ है, सब कुछ झूठा लगाया हुआ है, कोई सबूत नहीं है फिर भी उनको बंद कर रखा है। जी नमस्कार सर, MP से छतरपुर जिला से इतनी दूर के करने आया जी, गुरु जी के दर्शन करने आए थे दर्शन जी जी जी, धर्म गुरु दो तीन और हैं जी, मैंने इनसे बात करी थी और एक संत रामपाल जी है, क्या फर्क दिखा है इनसे क्या जुड़े थे? देखिए सर क्या है कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो अपनी सुनी सुनाई और परंपरागत जो चली आ रही है उसी के अनुसार कोई कुछ भी करो हमारी शरण में आ जाओ बस। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं इन्होंने देखिए जो इनके नियम है ना समाज सुधार के ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हम सभी जितने फॉलोवर हैं ये सब नियम को पालन करते हैं फॉलो करते हैं। आज हजारों विवाह हो रहे हैं दहेज रहित, आज तक आप बता दीजिए किसी भी संत के शिष्यों ने ये करके दिखाया हो? आज तक किसी भी संत का कोई भी अनुयायी एक बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा। और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है हमें कि इन चीज़ों से हमें घृणा हो गई है जो गलत चीज़ें हैं। तो यही फर्क है अन्य गुरुओं में और संत रामपाल जी महाराज, यहाँ वास्तविकता है, जो जो चीज़ सिर्फ कहने भर मात्र से नहीं हो जाती है, ये यहाँ करवाई जाती है, रिहर्सल करवाई जाती है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपको प्रशासन ने जो जैसे पुलिस वाले हैं या कोई भी व्यक्ति बहस नहीं करता है, हमारे जो भगत हैं वो किसी से बहस नहीं करते, आप कहेंगे यहाँ से जाओ तो हम चले जाते हैं। जबकि आप कहीं भी देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ रोहतक में भंडारा हुआ, जबलपुर में भंडारा हुआ, लगभग 15-20 लाख संगत जुड़ी और लोग आए, लेकिन वहाँ ग्राउंड में आप जाके देखिएगा आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा, आपको कोई भी एक झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा कि आपस में लड़ गए या किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। और अगर आप अन्य संतों की शिष्यों की तुलना करिए संत रामपाल जी महाराज जी से तो उसमें आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि जो ये मार्ग है ये सत्य का मार्ग है। कितने एक साल तक जुड़े हैं भाई जी? मैं 2012 से जुड़ा हूँ। उर्फ बिट्टू कहाँ से है? भिवानी से हूँ जी। भिवानी से पूरा उकराने विचार में यहाँ संत रामपाल की आज पेशी थी, उस लेख के लिए आए। दर्शन हो गए जी, आत्मा से दर्शन हो जाते हैं, घर बैठे ही दर्शन हो जाते हैं उनके। तो प्रशासन की साक्षी होकर है दर्शन कराने, प्रशासन उनके पास नहीं जाने देता, सरकार ने अनदेखी करके उनको अंदर ठोका है, अब ये सरकार भी उनको अंदर ठोक रही, संतों के पीछे पड़ी हुई सरकार। इशारों में लाखों की तादाद में अनुयायी आवे हैं। हाँ जी, तो इनका गलत इशा करा हुआ है प्रशासन का भाई, कोई झगड़ा वगड़ा और जुगर बैर काटने की इशार में था। हम तो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, न करते हैं, हम तो हाथ जोड़ते हैं, लाठी चार्ज करे तो लाठियाँ खा लेते हैं, डंडे मारेंगे डंडे खा लेते हैं, हम तो गांधीवादी हैं, इधर मारेंगे तो इधर वाड़ा कर लेंगे, हम तो दर्शन उनके हो गए, संतों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी भी सरकार को। कितने साल तक जुड़े हो आप? मैं तो
नामदान तो लिया नहीं अभी, मैं 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करते हैं।